Well gentlemen, welcome to the second phase of online teaching classes as directed by Higher Education Department Punjab. Here I am Sharrif zaid Assistant professor of English from Government Postgraduate College at Tut. okay, in the last chapter we have studied that how, Outspoken and free he was with the chief guest who happened to be the prime minister of that time, but nobody has any objection. Let us switch over to next chapter, chapter 10, and on the text in 1900, Old Meldrum, who had succeeded Wetherby as head. Old Meldrum ne Mr. Wetherby ke baad, चार्ज लिया था एंड हेड हेल्ड ऑफिस फॉर थ्री डेकेड्स ही टॉट फॉर थर्टी इयर्स राउंड अबाउट बट इन 1900 हंड्रेड ओल्ड मैड्रम डाइड सडनली फ्राम नमोनिया उनको नमोनिया हुआ एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपार्टमेंट ऑफ अ सक्सेसर और उस इंटरम टाइम के अंदर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रूक फील्ड अब चिप्स को वो जिम्मेदारी दी गई बिकॉज ही वॉज सीनियर मोस्ट देर वॉज जस्ट द फेंटेस्ट चांस दैट द गवर्नर माइट बेक द अपॉइंटमेंट वन मीन्स देर वॉज नो रे ऑफ होप इस बात का हल्का भी इमकान नहीं था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसको परमानेंट कर देंगे बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसंटेड वेन दे ब्रॉट इन अ मोर यंगस्टर ऑफ थर्टी सेवन So as he himself did not want it to be regularized on permanent basis, lehaza jab Board of Governors, a youngster Kolai, glittering with firsts and blows, means highly spirited, but Joshua mein and with a kind of personality that could reduce big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. उसकी शख्सियत इतनी रोब वाली थी कि फकत आईब्रो उठाए तो पूरा हाल खामोश हो जाए वॉज नाट इन द रनिंग विद डैट काइंड ऑफ पर्सन इतने सख्त मजाज के बंदे के साथ चलना चिप्स साहब के लिए मुश्किल था ही नेवर हैड एंड नेवर वुड बी एंड ही न्यू इट उसे अपने मजाज का पता है कि उसने कभी ऐसी सख्ती की नहीं ना ही वो ऐसे आदमी के साथ अच्छे टॉम्स के साथ चल सकता था लेकिन ही वॉज एन ऑल टूगेदर फिरोशियस एनिमल ह्यूमन बींग के लिए फिरोशियस एनिमल खून खार मीनस वो बाई टेम्परामेंट बड़े थारो जेंटल और माइल्ड किस्म का इंसान था हिज रिटायरमेंट इन नाइनटीन थर्टीन were stud with sharply remembered pictures. Now, he has to recall the hardest memories which were not pleasing enough. So, it is the story of a day, a May morning, pleasant weather in England. The clang of the school bell at an unaccustomed time, unusual time, school ki ghanti bajti hai, everyone summoned to assemble in big hall. और सबको कहा गया जी हाल में आ जाइए रॉलस्टन द न्यू हेड वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ फिक्सिंग मल्टीट्यूड विद कोल्ड प्रीसेजिंग विद्रीसेजिंग बड़े सख्ती के से अंदाज में रॉल्स्टन रोस्टम पे आए और आते ही ऐलान किया यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर आप सबको ये सुनकर बहुत अफसोस होगा

क्रिस्टन उसकी हक में सर्विस दुआ वगैरह पढ़ते हैं इस समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन अब ये नेक्स्ट मेमोरी, एक मेमोरी क्रॉस हो चुकी है दूसरी इसी किस्म की इट इज द स्टोरी ऑफ अनदर डे इस समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रोक फील्ड द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक रेलवे वालों ने स्ट्राइक कर दी थी सोल्जर्स वर ड्राइंग द इंजन स्टोन हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स तो जाहिर है आर्मी पीपल आ गए उन्होंने वो सर्विस तो चलाना थी वो चलाई लोगों ने दो ऊबर द स्ट्राइकर्स उन्होंने चलती हुई ट्रेनों पे पत्थर बरसाए ब्रूक फील्ड बॉयज वर पेट्रोलिंग द लाइन और जो रेलवे लाइन की हिफाजती ड्यूटी थी वो ब्रूक फील्ड के स्टूडेंट्स को नियर ब्रूक फील्ड दी गई थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन एंड स्टूडेंट्स वर एंजॉइंग दैट चिप्स हु वाज इन चार्ज स्टूडेंट लिटल वे ऑफ चिप्स की ड्यूटी थी कि स्टूडेंट्स उसको सेफ्टी को गॉरेंटी करेंगे ये दूर से उनको सिर्फ निगरानी कर रहा था टाकिंग टू अ मैन ऐट द गेट ऑफ अ काटेज रेलवे ही का एक मुलाजम था अपने घर के बाहर तो उसी दौरान यंग क्रिकलेड अपियर इसके स्टूडेंट आया तो पूछता है प्लीज सर वट शल वी डू इफ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स सर हम तो रेलवे की पटड़ी की हिफाजत कर रहे हैं अगर कोई हड़ताली भैया आ गया तो हम क्या करेंगे यानी वो हम हटा देगा तो चिप्स ने बच्चे को एंगेज करने के लिए उसकी पसंद का सवाल किया कि वुड यू लाइक टू तो मीट वन क्यों तेरा जी चाह है किसी स्ट्राइकर से मिलने को बच्चा हेजिटेंटली जवाब देता आई डोंट नो सर, नहीं सर आ गया तो उसके बाद दीज आर द मेमरीज चिप्स री कॉल कि गॉड ब्लेस द बॉय ही टॉक्ड ऑफ देम एज दे देवर क्यूर एनिमल्स आउट ऑफ अ ज़ू बच्चा है ना स्ट्राइकर्स के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो ह्यूमन बीइंग ना हो बल्कि किसी जू से भागे हुए अजीब से कोई एनिमल्स हो जानवर क्यों ना हो तो उसको इसने जवाब दिया कि वेल हे यू आर देन न मीट मिस्टर जोन स्ट्राइकर बेटा किसी स्ट्राइकर से मिलना है तो जिससे मैं बात कर रहा हूं यह भी स्ट्राइकर है ये भी railway ही का मुलाजम है सिग्नल एट द स्टेशन आपको पता है कि इसकी कितनी अहम ड्यूटी होती है यू हैव पुट योर लाइफ इन इज हैं मैनी टाइम कई दफा आपकी जिंदगी भी इसके हाथ में होती है ये अगर रेड को ग्रीन सिग्नल दे दे तो ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी तो स्ट्राइकर्स भी बहरहाल हाल ज़िम्मेदार होते हैं आफ्टर वोट द स्टोरी राउंड द स्कूल फिर ये बात बच्चों ने दूसरे स्टूडेंट्स को बताई देर वॉज जेब्स टॉकिंग टू स्ट्राइकर ये हम इंसानों की आदत है हम बात को कुछ ज़्यादा ही मल्टीप्लाई करके आगे चलाते हैं मिस्टर चेप्स ने उन हड़तालियों से भी गपश लगाई टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली वे दे वर टॉकिंग देखिए ना सारा उनके साथ इतने अच्छे अंदाज में बात कर रहे थे चेप्स अब उस मेमोरी को सिर्फ रिकॉल कर रहा है घर में बैठकर चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मेनी टाइम्स कई दफा उसने सोचा ऑलवेज एडी टू हिमसेल्फ और हमेशा अपनी तरफ से यूं कहता दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड एंड वुड आल्सो हैव बीन सो हैड देर मीन लिविंग माय स्पाउस अगर वो मेरी बेगम होती तो वो भी एंजॉय करती और वो कहती ठीक कहा था तुमने बच्चे को बिकॉज ऑलवेज वट एवर हैपन्ड एंड हाउ एवर द नर्वस सॉरी हाउ एवर द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कार्बड कुछ भी हो जाता पॉलिटिक्स में कितने ही सवाल क्यों ना आ जाते। उसे अपने मुल्क, अपने अपनी सरजमीन, और पे बड़ा फ्र था इन द्रुक फील्ड और अपने अदारे पे भी फख्र था अल्टीमेट वर्क डिपेंडेड ऑन वेदर शी फिटेड हर सेल्फ एंड टू द इंग्लिश सीन विद डिग्निटी शी हैज बिन यूज फॉर ब्रूक फील्ड कि मेरा अदारा इंग्लैंड को अच्छी तरह से फीड कर रहा है एंड विदाउट डिस्प्रपोर्शन मुनासिब जितना इसको जैसे सैम्पल्स भेजना चाहिए वैसे भेज रहा है ये हेड बिन लेफ्ट अ विजन दैट ग्रू कलेर विद ईच ऑफ एन इंग्लैंड इंग्लैंड के बारे में उसका एक विजन था जो उसको जो जो मजीद क्लियर होता गया क्या विजन था फॉर होम डे ऑफ नियरली ओवर? इट वॉज दिन ऑफ मिस्टर बीसवीं सदी के शुरू में उसका ये ख्याल था केरूज के का दौर अब नहीं रहेगा ऑफ ए नेशन स्टियरिंग इन टू चैनल्स वेरा हेर ब्रैड ऑफ एर माइड बी कटॉस कहता है कि ये वो हमारी इंग्लैंड की वो नेशन ये उस दौर में दाखिल हो रही है कि मामूली सी मिस्टेक भी इसके लिए तबाह कुन हो सकती है हेयर ऑफ एरर हल्की सी गलती कैटॉस्ट ऑफिक डस्ट्रक्टि ही रिमेंबर्ड नाउ ही वुड रिकॉल द बिग इवेंट्स ही रिमेंबर्ड द डायमंड जूबली एन इवेंट देर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रूकफील्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डायमंड जूबली देर वॉज अ फुल डे हॉलीडे ऑब्जर्व ओवर देयर एंड ही हर टेकन कैथी टू लंडन टू सी द प्रोसेशन और ये दोनों वहाँ गए थे प्रोसेशन को देखने दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी सिटिंग इन हर कैरेज लाइक सम क्रमलिंग वुड एंड डॉल डायमंड जूबली पे क्वीन uh, वहाँ लग रही थी लाइक क्रमलिंग वुड एंड डॉल दैट लेडी हैड सिम्पोलाइज इम्प्रेसिवली सो मैनी थिंग लाइक हर सेल्फ वर नियरिंग एन एंड जैसे वो लेडी शिवास एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ सिमिलरली चिप्स यूज टू थिंक दैट माई नेशन माई कंट्री इज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर ग्लोरी वाज इट ओनली देंचुरी आर वाज इट एन ई पॉक इट है गुड एज एक जबरदस्त जमाना गुजरा एंड देन दैट फ्रेंजीड एडवर्डियन डेड उसके बाद एडवर्ड का जमाना आया वो भी बड़ा फुल ऑफ सील एंड ज़ेस्ट था लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट गोज ब्राइटर एंड वाइटर जस्ट बिफोर इट बाउंस इट सेल्फ आउट नाइस सिमली जैसा लाइट आखिरी दफा बिल्कुल बुझ जाने से पहले मैक्सिमम ग्लोइंग करती है इस तरह इंग्लैंड भी बड़े उरूज पे था स्टॉइक्स एंड लॉकआउट्स फिर हड़तालें हुई पर्स

चिपिंग ने पूछा ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट मीन्स ओके यू जस्ट सी मी आफ्टर द रेस्ट तो जब वो उसके पास आया उससे मिलने देन ग्रेसन आई डोंट वॉन्ट टू बी स्वीर बिकॉज यू आर जनरली प्रैटी गुड उसकी तारीफ करते हुए कि यू आर अ गुड स्टूडेंट इन योर वर्क बट टूडे यू डोंट सीम यू डोंट सीम टू हैव बी ट्राइंग एट ऑल इज एनी थिंग द मैटर

नेचुरल रीजन थी उसके इंटरेस्ट ना लेना की जो कि नेक्स्ट टाइम सामने आई नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज नॉइज अराउंड द स्कूल दैट ग्रेसनस फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक एंड दैट नो न्यूज हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेट हिज फादर वाज देयर ऑन द शिप एंड द शिप ट्राउंड एंड नो बॉडी न्यू अबाउट द फेट ऑफ हिज फादर सो इट इज़ बट नेचुरल कि बच्चे को अपसेट होना चाहिए था ग्रेसन वॉज एक्सक्यूज लेसन्स उसका कोई होमवर्क नहीं चेक किया गया फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड एमोशनली अपान एंगजाइटीज और बच्चे उसी के बारे में बातें करते रहे दैन केम न्यूज दैट इज फादर है फिर गुड न्यूज आई कि उसके फादर बच के हैं चिप शुक हैंड्स विद द बॉय उसने जाकर उसे हमदर्दी के तौर पे प्यार किया शेक एंड किया और अपनी तरफ से फीलिंग्स शेयर की कि वेल आई एम डिलइट ग्रैसन मुझे भी खुशी हुई है ए हैप्पी एंडिंग यू मस्ट बी फीलिंग प्रेटीप्लीज विद लाइफ अब इनशा आप इंजॉय करेंगे तो वही बच्चा जिसने एन न सर कहा था आप कहते हैं यस सर अ क्वाइट नर्वस बॉय एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर नॉट जूनियर और ये इट्स अ मैटर ऑफ पिटी कि उसके बाप के साथ जाकर विद होम चिप्स वाज डिस्टाइन लेटर टू कंडोल के बच्चे की डेथ पहले हो गई और उसके बाप के साथ जाकर इसने ताज़ियत की थी दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरीज बट मेमोरीज आर नाउ मल्टीप्लाइंग यू विल एंजॉय द मोस्ट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ Because the memories are interesting from students' point of view. Thank you very much.